नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ पे मैंने यूको बैंक का चार्ट लगाया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। हाँ, मानते हैं यहाँ पे आज थोड़ा नेगेटिविटी में क्लोज हुआ है और एक रेसिस्टेंस जो बना था यहाँ पे, जो कि मई का महीना था, जो कि इसका हाई था यहाँ पर, मानते हैं इसलिए वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे नीचे प्राइस नीचा दबदबा दिखा दे रहा है। मगर यहाँ पे अगर आप पहले भी अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 दिनों से अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ रैली होते हुए हमें नजर आ रही है। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा लें। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अगर हम लाइव भी जाते हैं यहाँ पे, अगर आप हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस देखते हो, तो यहाँ पे अच्छा खासा सही एक्यूरेट पॉइंट पे सपोर्ट रेसिस्टेंस मिलता है और वहां से या तो ब्रेक डाउन होता है या तो फिर ब्रेकअप होता है। यहाँ पे चलो चार्ट्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हम यूको बैंक की बात कर रहे थे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हमने लगा दिए हैं एज यूजुअल, जो कि 9, 21, 50, 100 और 200 का होगा। जो वॉल्यूम है, जो कि प्राइस है, बुलिश है और सभी एक्सपोनेंशियल के ऊपर ट्रेड है, बुलिशनेस का सिंबल है, जो कि RSI 67 पे है। हाँ, थोड़ा सा नीचे मुड़ रहा है, यहाँ पे हमें थोड़ा कुछ स्विंग देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे मैंने 3 वर्टिकल लाइन्स है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है, जो कि पिछला जो ट्रेडिंग सेशंस हुए थे यहाँ पे एक ब्रेकआउट अच्छा खासा हमें मिला है। यहाँ पर जो भी डिप्स होते हैं यहाँ पे हमें खरीदारी कर सकते हैं। MACD भी ऊपर है 0 लाइन के। यहाँ पे टारगेट की बात करते हैं, अगर हम वीकली चार्ट पे अगर हम ले जाते हैं, यहाँ पे जो इसने हाई बनाया था यहाँ पे, जो कि इसका हाई 2022 का होगा यहाँ पे, मेरा मानना है ये जो प्राइस जो है, जो कि हाई बनाया 38.5 का, इसे भी ब्रेक करेगा और 42 में हमें दिख सकता है इस जोन में ट्रेड आता हुआ। मेरा मानना है यहाँ पे अगर क्वांटिटी लेते हो तो थोड़ा बुक कर लीजिए और या तो